नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रिडिक्शन भजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ PSL 2022 के 20वें मैच की प्रिडिक्शन के बारे में, जो भारतीय समय अनुसार रात को 8 बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों यह मैच लाहौर कैलेंडर्स और क्वेटा ग्लेडियर्स के बीच में 13 फरवरी 2022 को लाहौर स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में हम स्टेडियम, पिच रिपोर्ट, वेदर, हेड ट्रेड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे। साथ ही में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन भी आपको बताऊंगा और एक फैंटेसी टीम भी आपको दूंगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों के बारे में। तो दोस्तों पहले बात करते हैं लाहौर कैलेंडर्स के बारे में। दोस्तों अपना लास्ट मैच जीत कर आ रहे हैं 52 रन से और इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम फकर जमान, अब्दुल सकीब, सैमरन गुलाम, मोहम्मद हफीज, फिलिप सोल्ट इनके बैट्समैन है, हैरी बुक, डेविड विस्ट इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, राशिद खान, साइन अफरीदी, आरिस स्वरूप, जमान खान इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफ़ी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों फकर जमान ने 60 रन की पारी खेली थी, साथ में दोस्तों कैमरन ने भी 42 रन की पारी खेली थी और दोस्तों राशिद खान ने बढ़िया बॉलिंग की थी, 2 विकेट लिए थे और दोस्तों जमान खान ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, 3 विकेट निकाले थे। दोस्तों बात करते हैं इनके अपोनेंट टीम क्वेटा ग्लेडियर्स के बारे में। दोस्तों अपना लास्ट मैच जीत कर आ रहे हैं और इनके एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 टीम जैसन रॉय, एहसान अली, जेम्स फिंक, उमर अकमल, सरफराज अहमद, फकर अहमद, शाहिद अफरीदी इनके बैट्समैन है, जेम्स फोकनर इनके ऑलराउंडर प्लेयर है, निसिम शाह, नूर अहमद, गुलाम मुजद्दीर इनके बॉलर है, जो दोस्तों काफ़ी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों अगर बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में, दोस्तों सरफराज अहमद ने 50 रन की पारी खेली थी, साथ में दोस्तों जेम्स फोकनर ने बढ़िया बॉलिंग किए थे, दोस्तों 2 विकेट लिए थे और दोस्तों शाहिद अफरीदी भी 2 विकेट लिए थे। दोस्तों अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में टोटल ओवरऑल 12 मैच खेले गए, जिनमें से दोस्तों लाहौर कैलेंडर्स ने 6 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि दोस्तों क्वेटा ग्लेडियर्स ने भी 6 मैच जीते हैं और दोस्तों लाहौर कैलेंडर्स का 209 रन का हाईएस्ट स्कोर है क्वेटा ग्लेडियर्स के खिलाफ और दोस्तों क्वेटा ग्लेडियर्स का 203 रन का हाईएस्ट स्कोर है लाहौर कैलेंडर्स के खिलाफ और दोस्तों लाहौर कैलेंडर्स का 100 रन का लोएस्ट स्कोर है क्वेटा ग्लेडियर्स के खिलाफ, जबकि दोस्तों क्वेटा ग्लेडियर्स का 98 रन का लोएस्ट स्कोर है लाहौर कैलेंडर्स के खिलाफ। दोस्तों लाहौर कैलेंडर्स ने 6 में से 3 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, जबकि दोस्तों 3 मैच ही बाद में बैटिंग करते हुए जीते हैं और दोस्तों क्वेटा ग्लेडियर्स ने भी 6 में से 2 मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, जबकि दोस्तों 4 मैच बाद में बैटिंग करते हुए जीते हैं। दोस्तों लाहौर कैलेंडर्स अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 3 मैचों में जीत करा रहे हैं, जबकि दोस्तों 2 मैचों में हार करा रहे हैं और दोस्तों क्वेटा ग्लेडियर्स भी अपने खेले गए लास्ट 5 मैचों में से 3 मैचों में जीत करा रहे हैं, जबकि दोस्तों 2 मैचों में हार करा रहे हैं और दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए लास्ट 5 मैचों में से क्वेटा ग्लेडियर्स ने 2 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि दोस्तों लाहौर कैलेंडर्स ने 3 मैच जीते हैं। दोस्तों यह मैच लाहौर स्टेडियम में होने वाला है, जहां पर दोस्तों फास्ट और स्पिनर यानी कि दोस्तों मीडियम साइज के तेज गेंदबाजों को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बाद में खेलने वाली टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हालांकि दोस्तों इस स्टेडियम में अभी हाल फिलहाल में पहले बैटिंग करने वाली टीम मैच जीत रही है। दोस्तों यहाँ पर अभी तक टोटल ओवरऑल 15 मैच खेले गए, जिनमें से दोस्तों पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 7 मैच जीते हैं, जबकि दोस्तों बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ पर 8 मैचों में जीत दर्ज की है। दोस्तों यहाँ पर एक भी मैच टाई नहीं हुआ और दोस्तों का एवरेज स्कोर 169 रन का है, दोस्तों का हाईएस्ट स्कोर 209 रन पर 5 विकेट का है और दोस्तों का लोएस्ट स्कोर 90 रन पर 10 विकेट का है। दोस्तों का स्कोर पैटर्न है 150 के नीचे 3 बार, 150 से 169 के बीच में 3 बार, 170 से 189 के बीच में दोस्तों यहाँ पर 7 बार स्कोर रहा है, जबकि दोस्तों 190+ यहाँ पर ओनली 2 बार स्कोर गया है और दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजों को बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं और दोस्तों ग्राउंड भी छोटा है, इसलिए दोस्तों बल्लेबाजों को बहुत अच्छी मदद मिलती है। दोस्तों स्पेशली आप फैंटेसी टीम में एक्स्ट्रा बल्लेबाज रख सकते हो। अगर दोस्तों आप हमारे से फैंटेसी टीम लेना चाहते हो तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों वहां पर मैं आपको प्रत्येक मैच की ठोस प्रेडिक्शन देता हूं, साथ ही में दोस्तों वहां पर मैं आपको पता है यार हमारी वीडियो मैच से काफ़ी पहले आ जाती है, लगभग 24 घंटे पहले। खैर दोस्तों आज की वीडियो की बात नहीं है, लेकिन दोस्तों 24 घंटे पहले आ जाती है तो दोस्तों काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है टीम में और दोस्तों स्क्वाड में भी कुछ चेंज हो जाता है, प्लेइंग 11 में भी कुछ चेंज होता है और दोस्तों कुछ अपडेट देना होता है या दोस्तों प्रिडिक्शन चेंज करनी पड़ती है, तो दोस्तों हम टेलीग्राम चैनल पर ही बताते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर,
लेना। साथ ही में दोस्तों एक बात का ध्यान और रखना, हमारे नाम से काफी फेक अकाउंट है टेलीग्राम चैनल पर, तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप उसी से ज्वाइन करना, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ आप ओरिजिनल अकाउंट को ही ज्वाइन करें। दोस्तों बात करते हैं यार मैच प्रेडिक्शन के बारे में। दोस्तों आपको पता है यार इन दोनों टीमों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, दोनों टीमें काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, दोनों टीमें अपना लास्ट मैच जीत कर आ रहे हैं। अगर दोस्तों बात की जाए गूगल की प्रेडिक्शन के बारे में, तो दोस्तों गूगल की प्रेडिक्शन के अनुसार भी दोनों टीमें इस मैच को 50-50% जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के बारे में, दोस्तों मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन के अनुसार इस मैच को लाहौर कैलेंडर्स ही जीत सकती है। दोस्तों आप आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों आपको पता है यार क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। साथ में दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।